जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक के, वो सिर्फ मेजरमेंट था पॉल्यूशन का, कि पॉल्यूशन को हम कितना मेजर कर रहे हैं, कितना लेवल तक की पॉल्यूशन पहुंचा है, वो हमने देखा है। लेकिन अब इसके मैनेजमेंट के लिए, कि इन्वायरमेंटल का मैनेजमेंट कैसे करें, प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसे सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, और जो सॉल्व कर रहे हैं तो फिर इसका कुछ लिमिटेशन भी है क्या, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास का सबको क्लियर है कि नहीं, सब लोग अच्छे से बताएंगे, क्लियर रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर नहीं रहेगा तो हमारे आगे बढ़ने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। बताइए जल्दी, यस मैम, क्लियर है। सब लोग बताइए। क्या आवाज आ रही है भाई? चलो ठीक है, तो क्लियर है बोल रहे हैं, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इसके अंतर्गत हमको क्या चीज पे फोकस रखना है, कि जिस चीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब वो क्या चीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम पॉल्यूटेंट, प्रदूषक बोलते हैं जिसे इन हिंदी, जिसकी वजह से जो है आपका पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ जो आपका पॉल्यूशन को कर रहा है, जो प्रदूषक है आपका, जो आपके इन्वायरमेंट में, जिस चाहे वो एटमोस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, या वो बायोस्फेयर हो, किसी भी आपके इन्वायरमेंट में अगर वो एंटर करके आपका इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, आपके पर्यावरण को दूषित कर रहा है, तो वो आप क्या कहेंगे उसे, उस पदार्थ को आप बोलेंगे पॉल्यूटेंट, प्रदूषक। ठीक है, अब अगर ये जो सिर्फ पॉल्यूटेंट के बारे में अगर बात करें, सिर्फ प्रदूषक के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके तीन पॉसिबल फेट्स होते हैं, थ्री पॉसिबल फेट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो ये कि जब प्रदूषक जो है, पॉल्यूटेंट जो है, किसी इन्वायरमेंट में, किसी पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है, तो इट मे लीव द रीजन अनचेंज्ड, कि वो क्या करेगा कि आपका जो पर्यावरण है उसको वो चेंज करने की कोशिश करेगा, उसे दूषित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा तो ये है कि इट में एक्यूमुलेट विद इन द रीजन, और इट में अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसे हम डायग्राम के थ्रू समझें तो कैसा होगा, ये मान लीजिए आपका है इन्वायरमेंट का रीजन, आपके इन्वायरमेंट का दायरा या रीजन, जहां आपकी बहुत सारी चीजें जो है प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब यहां से जा रहा है इनपुट, इनपुट के रूप में कौन जाएगा, आपका प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब या तो वो दो चीजें करेगा, दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो डिके करेगा, मतलब बर्बाद करेगा चीजों को, कि पॉल्यूटेंट जो है, प्रदूषक जो है, वो आपके पर्यावरण के अंदर प्रवेश कर रहा है, इनपुट हो रहा है कि नहीं, उसका इनपुट प्रवेश कर रहा है वो, तो प्रदूषक अगर किसी भी पर्यावरण में अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा, तो कुछ तो असर डालेगा ही डालेगा। ठीक है, या तो वो हो सकता है कि कुछ अच्छा चेंज हो, कुछ बुरा चेंज हो, कुछ भयानक चेंज हो, केमिकल चेंज हो, डीके करना हो, डिटोरिएट कर दे इन्वायरमेंट को आपके, तो डीके कर रहा है, अगर डीके करेगा, डीके मतलब क्या होता है, वो नष्ट कर रहा है आपके पर्यावरण को, खराब कर रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या होगा, एक्यूमुलेट कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेट से क्या तात्पर्य है,
एक्यूमुलेशन होना मतलब आपका जम जाना, वहां पर जमा हो जाना आपके पर्यावरण में, वो जाएगा घर कर लेगा आपके पर्यावरण को, वहां जम जाएगा, वहां हटेगा नहीं वहां से। मैं तो यहाँ घर कर लूँ, मेरा घर अब से यही है। जैसे आपके घर में भी कोई मेहमान आ जाएगा, बहुत दिन तक रहेगा, वो जाएगा ही नहीं, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? उसके हिसाब से आपको खाना बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रहना रहेगा, उसका उसको देखना पड़ेगा बार बार, उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं घर में। तो अगर मेहमान आकर चले जाए कुछ असर छोड़ के तो बात अलग है, लेकिन अगर वो वहां घर कर ले, अगर वो वहां रह जाए, जमा हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि प्रॉब्लमेटिक वाली चीज हो जाती है। सब अपने आप को म्यूट रखो बेटा, ठीक है? तो जैसे इनपुट हुआ, जब इनपुट हो रहा है मतलब जा रहा है, तो या तो वो एक्यूमुलेट करेगा, उसे एक्यूमुलेट कर देगा, वो वहीं पर रह जाएगा, या तो फिर वो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा, आएगा निकल जाएगा। प्रदूषक आया, पॉल्यूटेंट आया, तो घूमा देखा चले गया, पहला तो ये चीज हो सकता है, ठीक है? जिसमें अनचेंज्ड रहेगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है? दूसरी चीज एक्यूमुलेशन हो सकता है, एक्यूमुलेशन का मतलब वहां घर कर लेगा, वो जमा हो जाएगा वहां पर, ढेर लगा देना अपना, जमा हो जाना। और तीसरा फेट, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, चेंज कर दे एकदम से, जैसा पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का भर जाए, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो जहरीली गैस कोई भर जाए। तो तीन फेट होते हैं, ठीक है? तीन पॉसिबल फेट्स होते हैं, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है? हम एक अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं अनुमान को, कि अगर कोई भी पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक अगर आपके पर्यावरण के अंदर प्रवेश करता है, तो इट कैन बी थ्री पॉसिबल थिंग्स, तीन अनुमान हो लगा रहे हैं हम लोग, तीन अनुमान निर्धारित कर रहे हैं। पहला तो ये कि कुछ चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा चीज कि वो आ रहा है और वहीं जमा हो जा रहा है, जा ही नहीं रहा है वहां से, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेट कर ले रहा है। तीसरा ये डीके कर देगा, चेंज कर देगा पूरी चीजों को, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है? तो ये तीन पॉसिबल फेट्स हम लोगों ने देखे, जो कि क्या बता रहा है कि या तो वो डीके करेगा, इसके बाद अपना निकलेगा आउटपुट, ठीक है? इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद या तो एक्यूमुलेट करेगा उसे, यहाँ जमा हो जाएगा, या तो वो डीके करेगा फिर आउटपुट देगा, ठीक है? और ये जो मैंने डैश डैश बनाए, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है? बाउंड्री किसकी बाउंड्री? आपके पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाउंड्री को क्रॉस करके अगर आपका पॉल्यूटेंट, तो तीन चेंज हो सकता है। एक तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम का सेम वैसे ही का वैसा रहेगा। दूसरा या तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहां ढेर लगा लेगा, जमा हो जाएगा, या उसे डीके कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है? तो हम करें क्या फिर, मैनेजमेंट कैसे करें इसका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसे देखना है हमें, ठीक है? द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, अब ये जो डायग्राम बनाया था, एक्यूमुलेट डीके इनपुट आउटपुट, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए क्या बताया गया है कि पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो आएगा और रह निकल जाएगा, वो कुछ चेंज नहीं किया, आएगा वो जमा हो जाएगा वहां पर, या फिर वो आएगा और वो पूरा बर्बाद कर देगा और निकलेगा, ठीक है? तीन पॉसिबल चीजें हमने देखी हैं इस डायग्राम के जरिए। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर उस डायग्राम के हिसाब से एक तो इनपुट रेट मतलब इनपुट की जो दर है इज इक्वल टू आउटपुट रेट,
इज इक्वल टू आउटपुट की रेट, आउटपुट रेट प्लस डीके रेट। थोड़ा सा मैथ्स वाला दिमाग लगाना है। कैसे? जितना पॉल्यूशन एंटर कर रहा है इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आउटपुट जितना निकल रहा है प्लस डीके रेट, जितना उनने बर्बाद कर दिया जितना उसने निकला। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका 10 है अगर, तो 5 डीके, 5% वो डीके किया बर्बाद किया, 5% बाहर निकल गया, तो 5 + 5 कितने होंगे, 10 होंगे। वो चीज को बता रहा है ये कि इनपुट रेट बराबर कितना होता है, आउटपुट रेट प्लस डीके रेट, कि आउटपुट जितना निकला बाहर और जितना उसने नुकसान किया वो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल इनपुट रेट हमारे पास रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, डीके रेट के साथ साथ एक और चीज भी रहेगा, एक्यूमुलेशन रेट। कि जितना दर का प्रदूषक जो है प्रवेश किया है पर्यावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर इंसर्ट हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट कितना निकला, डीके कितना हुआ, वहां जमा कितने हो गए, ये तीनों मिलाकर टोटल कितना होगा अपना इनपुट रेट, जितना आ गया था अंदर प्रवेश किया था, ठीक है। तो मतलब ये मैथ्स की लैंग्वेज में अगर ये आपका मान लीजिए कि 10 आपका इनपुट है, 5 आपका डीके है, 3 आपका एक्यूमुलेशन है, 5 और 3 कितना हुआ, 5 + 3 = 8, बचा कितना, 2, तो 2 ये आपका आउटपुट, तो 5 + 3 + 2 ये तीनों मिलकर बनाए आपका 10। तीनों मिलाकर आपका टोटल क्या होता है, तीनों मिलाकर टोटल आपका होता है इनपुट रेट इक्वल्स टू आउटपुट रेट प्लस डीके रेट प्लस एक्यूमुलेशन रेट। ये दर लगाई गई है अलग अलग चीजों की, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या पता कर रहे हैं इस रेट को निकाल कर? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल बैलेंस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट टू एसेस ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पॉल्यूटेंट एज इट एंटर्स द रीजन रीजन ऑफ एनवायरनमेंट। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम एक चीज का अनुमान लगाएंगे कि कितना पॉल्यूशन हुआ था, कितना प्रदूषक आया, उसने कितना पॉल्यूशन किया, कितने वही रह गए हैं और कितना प्रदूषक जो है वो बाहर निकला। इससे हमको क्या पता चलेगा कि प्रदूषण ने कितना असर दिखाया है अपना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण के द्वारा या इस इक्वेशन के द्वारा हम पता कर रहे हैं कि जो मटेरियल का जो बैलेंस है, एक बैलेंस बना हुआ है सबका, ठीक है। इनमें से अगर इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जितना पॉल्यूशन जो है प्रवेश किया था हमारे पर्यावरण के अंदर, कितना पॉल्यूशन बाहर निकला है, कितना उसने नुकसान पहुंचाया है, कितना वहां पर जमा हो गया है पॉल्यूशन, ये चीज का हम लोग निर्धारण करेंगे इस समीकरण के जरिए, इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा पॉल्यूशन एक्चुअल में था कितना। पॉल्यूशन का लेवल निर्धारित भी किया जा सकता है इस इक्वेशन के थ्रू। हमको पता रहेगा अगर कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो हमको ये तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा कि कितना प्रदूषण आया था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के जरिए एक समीकरण निकाला गया, एक इक्वेशन निकाली गई, जिससे हम लोग एक लेवल निर्धारित कर सके, एक पता कर सके कि कितना पॉल्यूशन का लेवल जो है आ रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। हमने नाप तो निकाल ली थी, मेजरमेंट तो कर लिया था जब मेजरमेंट हमने पढ़ा था तो, लेकिन मेजरमेंट को कैसे देखा जाए, कैसे उसको कम करने की कोशिश की जाए, उसके लिए जरूरी हमको पर्टिकुलर पता होना चाहिए, एक माप पता होनी चाहिए, एक मेजरमेंट पता होना चाहिए, पॉल्यूशन का लेवल पता होना चाहिए, उसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे हाथ में, तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री लीव टूगेदर विथ ऑल माइक्रोस्कोपिक बायोटा ऑन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके पास बहुत एक पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं आपके पास, जिसका आपको क्या करना है, एक मीन मीडियन मोड जैसा निकालना है, बायोटा निकालना है आपके पास, बायोस्टैट्स निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि लीफ के अलग अलग साइज की लीफ को आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग उसका लेंथ देखेंगे, ब्रीथ देखेंगे, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहेंगे, अलग अलग पत्तियों के अलग अलग, किसी किसी की सेम सेम रहेंगी, किसी किसी आसपास रहेंगी,
उसको आप निकाल कर आप पता लगाएंगे कि कितना कितना क्या है करके, कितनी पत्तियां गिरी, गिरी हुई पत्तियों में कितनी सारी लंबाई, इतनी लंबाई की थी, कितनी इतनी चौड़ाई की थी। तो उसी प्रकार इस इक्वेशन के जरिए हम ये पता लगा रहे हैं कि कितना पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन में से कितने ने नुकसान किया, कितने पॉल्यूशन ने नुकसान किया, कितना पॉल्यूशन कुछ नहीं किया, कितने पॉल्यूशन जो है आपका वहां पर जमा हो गया, इस इक्वेशन के जरिए हम जान रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करने का एक तरीका निकाला जो कि इस इक्वेशन के जरिए हमने, इस इक्वेशन के जरिए जो हमने तरीका निकाला अपना कि चलो इस तरीके के जरिए हम क्या किए करें कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच करें कि हमको पता चल जाएगा इसे कि कितना पोल्यूशन हुआ था, कितना पोल्यूशन अंदर आया था, कितने पोल्यूशन ने नुकसान किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिद्धांत तो हमको क्या पता चल रहा है, किस सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं। सिद्धांत तो चलो पता चल गया कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, हमने जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए एक तरीका अपनाया इस इक्वेशन के जरिए, या फिर जो और तरीके जो हम अपनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या मिल क्या रहा है इसको करके, तो और कैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग, पहली बात तो ये क्यों करना चाह रहे हैं, द थिंग इज क्या मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट के, ये हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं इस समीकरण के जरिए, हम जो चीजें जान रहे हैं, जो इक्वेशन के जरिए हम जानना चाहते हैं कि कितना पोल्यूशन हुआ, मेजरमेंट हमने किया, माप निकाली, माप निकालने के बाद उसे जान रहे हैं और कि कितना पोल्यूशन ने घर कर लिया, कितने पोल्यूशन ने नुकसान पहुंचाया, कितने पोल्यूशन एज इट इज आ गया, कौन सा पोल्यूशन कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इससे पता भी चल रहा है। क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों का आंसर पहले होना चाहिए अपने पास। तो मीट्स इन अ सस्टेनेबल मैनर द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मिनिमाइजेस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पोस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या जो है, पहला रीजन उसका ये है क्यों का आंसर, कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज्यादा लोग चीजें यूज कर रहे हैं। अब यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं, अब इतनी ज्यादा जनसंख्या है, जगह ही नहीं है रहने के लिए, खाना ही नहीं है खाने के लिए, पेड़ों को काट रहे हैं, लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं, लकड़ी से घर बना रहे हैं रहने के लिए, घास फूस से घर बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। तो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है इन्वायरमेंट का, सबसे बड़ा रीजन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं चीजों को, तो वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं चीजों को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम ही पहुंचा रहे हैं। क्यों, हम पैदल नहीं आ सकते, साइकिल यूज कर सकते हैं क्या, नहीं हम गाड़ी में ही जाएंगे, टू व्हीलर रहेगा, टू व्हीलर नहीं, नहीं यार टू व्हीलर बहुत हो गया, हम कार लेंगे, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो कम है वैसे भी यूज करना है, लेकिन तो ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है, ह्यूमंस की एक्टिविटीज भी उतनी बढ़ रही है, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते बहुत जल्दी कि ये हो गया तो चलो इसी में काम चला ले, नहीं, टू व्हीलर साइकिल रहेगी, साइकिल से काम नहीं चलाएंगे, हमको टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर रहेगी, टू व्हीलर से काम नहीं चलाएंगे, हमको फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर रहेगी, फोर व्हीलर से नहीं, हमारे पास ये गाड़ी है, अरे उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास तो यही गाड़ी है, मेरे पास होंडा सिटी है, उसके पास तो बीएमडब्ल्यू, मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा, नहीं हम कहना सेटिस्फाई नहीं होते बहुत जल्दी। तो ये जो क्यों का आंसर है ना, ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, और ये सब जो चीजें हम लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इसलिए इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, इंक्रीज हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज है,
ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो रही है, इन्वायरमेंटल को, इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा पहुंचा कर अपने अच्छे के लिए हम इन्वायरमेंट को नष्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज को बढ़ा दिए हैं, कपड़ा धो रहे हैं, पानी, गंदा पानी रिवर में जा रहा है, खाना खा रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं इधर उधर, मिट्टी पॉल्यूट हो रही है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज, उतनी ज्यादा ही इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पर्यावरण पे बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा तो है ही, अभी भी चल रहा है खतरा, और खतरा होने का चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है। द फर्स्ट मेन एम इज अचीव्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग द एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री सिस्टम विथ ह्यूमन इंटरवेंशंस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑप्टिमम यूसेज एंड इनपुट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सेकेंड पार्ट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अकाउंट ऑफ एनविजन्ड लैंड यूज चेंज, फेट ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज विद टाइम। एक तरफ हम लोगों को पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जनसंख्या जितनी वृद्धि कर रहे, जनसंख्या पर जितनी वृद्धि हो रही है, लोगों के खाने के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, हम लोगों को ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि वेजिटेबल चाहिए ज्यादा मात्रा में, फसल, क्रॉप्स, जा चावल, दाल, गेहूं, सब चीजें हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, जल्दी चाहिए। क्या करेंगे, दवाई डालेंगे, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो द फर्स्ट एम, जो सबसे पहला जो एम है हमारा, वो ये अचीव करने का है कि हम किस प्रकार जो है एग्रीकल्चरल और फॉरेस्टली जो सिस्टम है उसको ह्यूमन इंटरवेंशन से हम लोग बचा सकें, एग्रीकल्चर को और फॉरेस्ट को हम लोग किस प्रकार से बचा सकें, जो इंसानों ने, जो जितना इंसानों की एक्टिविटीज से हम कितना उनको बचा पाए, सेव कर सकें, ताकि वो ज्यादा यूज मत हो, और यूज हो तो अच्छे से हो, नेचुरल रिसोर्सेस सलामत रहें, जमीन सलामत रहे, पानी सलामत रहे, फॉरेस्ट सलामत रहे, मिट्टी सलामत रहे। ये पहला एम है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर। और उसके बाद जो दूसरा एम है वो ये है कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें। अब चलो यूज कर भी लिया, तो पहला तो ये कि हम यूसेज उसका कम रखें, और यूसेज कर लिया और पॉल्यूशन कर दिया, पॉल्यूशन को फिर कम कैसे करें, दूसरा ये एम है हमारा कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ताकि ये लैंड को चलो यूज कर लिया, पॉल्यूट कर दिया, अब उसे कंट्रोल कैसे करें भाई, ये हमारा दूसरा एम है। पहला एम तो ये कि पहले तो उसे बढ़ नहीं मत दो, और बढ़ भी गया और हो भी रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करो। तो ये हमारा दो मेन एम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। फिर एनी एडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एडिंग टू द सिस्टम फ्रॉम अदर लोकेशन इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सिस्टम्स में ऐड कर होते रहते हैं, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट ओनली पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने से नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। द मटेरियल बैलेंस इक्वेशन आर यूज टू क्वान्टिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन सब सिस्टम ऑफ द इन्वायरमेंट टू एस्टिमेट देयर इम्पैक्ट। तो ये जो समीकरण निकाला, ये समीकरण क्या है, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि हमको सब चीजों को बैलेंस करके चलना है, अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा मंडराने लग जाएगा, फिर से मंडरा तो रहा है और बढ़ जाएगा वो खतरा। तो जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है इसे क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन का लेवल एक हम तो जान सकें, दूसरा ये भी एस्टिमेशन लगा सके, ये अनुमान लगा सके कि एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है आपके पॉल्यूशन का। क्यों, डायग्राम को फिर से देखें अगर, तो पॉल्यूशन जितना आ रहा है, कितना वहां रह जा रहा है, कितना वो रह के वहां नुकसान पहुंचा रहा है, कितना वो चेंज करके नुकसान पहुंचा रहा है, कितना वो आके जाने पे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं किसके जरिए, आपके ये जो आपका मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उसके जरिए,
ये आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि आप ये क्या कर रहे हो मैनेज करने के लिए, क्या मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हो आप, क्या कुछ तो कर रहे होगे, क्या कर रहे हो ये चीज, तो ये आपका था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर। अब इसके कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसके, जैसे कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अप्रोच हैज बीन यूज्ड टू लुक एट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद कंटिन्यूस राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड मोर डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन व्हिच शोज नो साइन ऑफ स्टेबलाइजिंग द सिस्टम अप्रोच कैन बी फर्दर स्ट्रेंथेंड बाई इंक्लूडिंग रिलायबल डाटाबेस ऑन द वेरिएबल। लिमिटेशन ये है सबसे बड़ा कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, हम कितने भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, पॉल्यूशन को जितना भी दूर करने की कोशिश कर लें, लेकिन अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी ही, वैसी की वैसी रहेगी। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी डिमांड बढ़ेगी, लोगों का उतना रहना खाना पीना उतना बड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए लोग क्या करेंगे, नेचुरल सी रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, जंगल को यूज करेंगे रहने के लिए, लकड़ी को यूज करेंगे खाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। तो ये एक लिमिटेशन जो है ये हमेशा रहेगी, जो एक सीमा है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर हम जब तक कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीज कंट्रोल में नहीं आएगी, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है चीजें, ठीक है। द सिस्टम अप्रोच कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन बाई इंक्लूडिंग रिलायबल डाटाबेस ऑन द वेरिएबल्स विच डिसाइड द फेट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट सब सिस्टम्स। तो ये एक सीमा है, जो सबसे बड़ी सीमाएं हैं इसकी। तो ये आपका था इन्वायरमेंटल